इतना जोर से खींच रही हूँ साड़ी खुल के निकल आ जाए। हे माई ब्यूटिफुल हनी बीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आप फ्रीन। और गाइस कैसे हो आप सब? और घर की हालत है बहुत खराब। यहाँ पे देखो काफी सारे पार्सल आए हुए हैं। अभी घर बन रहा है तो काफी सारी चीजें भी हमें खरीदनी पड़ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो, ये देखो गाइस क्या खरीदा है मैंने। ये यहाँ पे देखो काफी सारे सेट जो है, मतलब नाइफ सेट है, ये खरीदा है और ये भी मैंने खरीदा है। तो जो भी हो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली ये देखो मैंने अंदर मैंने ये ब्लाउज पहनी हुई है, मैंने मेकअप भी कर लिया है। एक्चुअली अभी ना आज हम लोगों को कहीं जाना है, तो मैं सोच रही थी कि मैं साड़ी पहन के जाऊँ, बट साड़ी मुझे पहननी नहीं आती है और आज सासू माँ भी घर पे नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को ही कहा कि आप थोड़ा सा हेल्प कर देना मुझको, तो वो अभी तक आया नहीं, पता नहीं कब आएगा। हाँ आ रहा है वो। कितना टाइम लगा दिया, देखो मैं कब से रेडी होकर बैठी हूँ और मेकअप भी अभी निकल रहा है मेरा, देखो पसीना पसीना हो रहा है। चलो मैं साड़ी पहना देता हूँ तुमको। हाँ साड़ी, ये साड़ी पहनाएगा, मतलब थोड़ा सा तुम हेल्प कर देना। सासू माँ रहती तो मैं उनको ही बोल देती कि आप ही पहना दो, बट वो तो घर पे नहीं है आज, तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं कि ये कितना हेल्प कर पाता है। कर पाओगे? पूरा कर पाऊंगा। अच्छा तो गाइज एक्चुअली मैंने रिसेंटली कुछ साड़ी लिया है, मतलब ज्यादा नहीं, तीन साड़ी मैंने लिया है, तो उनमें से एक मैं आज पहन के जाऊंगी। कौन सी ज्यादा अच्छी लगेगी मेरे ऊपर आई डोंट नो, बट तीनों के तीनों मैं ट्राई करूंगी, जो अच्छा लगेगा वही पहन के जाएंगे आज हम लोग। ठीक है तो तीन साड़ी पहनना पड़ेगा मेरे को। हाँ कि कौन सा अच्छा लगेगा कैसे पता होगा? नीचे से पकड़िए ना अच्छे से। ठीक है। अरे वीक इसमें तो इधर से ही दिखा रहा है। दिखा रहा है बट मैं थोड़ी ना, मैं तो जानती हूँ ना कैसे पहनते। प्रॉपर ना ऐसे ऐसे करके इसको सेट करना पड़ेगा। प्रॉपर ऐसे करोगे तो ये पूरा सही से होगा। रुको इतना क्यों जोर से खींच रही हूँ, साड़ी खुल के निकल आ जाएगा। देखो क्या किया इसने। जो भी किया अच्छा किया, अच्छा लग रहा है, अच्छा दिखना चाहिए। थैंक यू। फिर भी ये साड़ी आपको पसंद है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, इसको ऐसे करना। तो गाइस फर्स्ट मैंने लिया है ये ब्यूटीफुल साड़ी, ये प्योर सिल्क कांजीवरम साड़ी है और आप कलर देख सकते हो, इसका कलर है येलो कलर एंड ये प्रॉपर येलो भी नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रीन एंड येलो मिक्स्ड एक कलर है। यहाँ पे देखो गाइस बॉर्डर इसका कितना अच्छा है, ब्लैक एंड गोल्डन बॉर्डर दिया गया है। तो ये एक आर्ट सिल्क साड़ी है, ये पहनने के बाद एक मतलब ट्रेडिशनल एक लुक आता है। ये प्योर सिल्क में है इसीलिए इसको पहनने के बाद कम्फर्ट तो आपको मिलेंगे ही, एंड इसके साथ साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक भी आएगा। और गाइस ये देखो यहाँ पे ऐसे, इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, बट ये जो दिया हुआ है ना आंचल में, तो ये दिखने में और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड पूरा जो बॉडी है ना वहां पे आपको पूरा ये जरी का काम मिलेगा, आप लोग देखो जरा प्रॉपर जरी का काम दिया हुआ है, बहुत ही क्वालिटीफुल साड़ी है। और ये जो साड़ी के आंचल है ना यहाँ पे ऐसे बॉर्डर दिया गया है और बॉर्डर के लिए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये साड़ी दिखने में, और पहनने के बाद भी सच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल लुक आ रहा है। तो इसका जो ब्लाउज पीस है गाइस ये थोड़ा सा मतलब ग्रीनिश टाइप का है, और ये प्रॉपर सेट जब बन जाएगा तो पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इस साड़ी में कैसे दिख रही हूँ आप लोग जरूर बताना। तो उसके बाद मैंने लिया है ये वाली साड़ी, और ये एक प्रॉपर मतलब फैंसी साड़ी है, और ऐसे टाइप के साड़ी मैं ज्यादा पसंद करती हूँ, बट अभी शादी हो गई तो कभी कभार ट्रेडिशनल लुक भी कैरी करनी पड़ती है। तो जो भी हो ये जो साड़ी है ये कलर जो है ये प्रॉपर मतलब पीच कलर में है, और उसके साथ साथ ये बॉर्डर दिया गया है पर्पल कलर का, पीच एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन जो है वो काफी अच्छा लग रहा है। और ये प्रॉपर मतलब एम्ब्रॉयडरी किया गया है, फुल बॉडी में एम्ब्रॉयडरी किया गया है, और इसकी जो फैब्रिक है ये आर्ट सिल्क साड़ी है, और इसमें आपको टोटल 13 कलर मिल जाएंगे, मतलब काफी सारे कलर ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे आप लोग ले सकते हो, कोई बात नहीं है, मतलब
पूरा जो बॉडी है उसमें एम्ब्रॉयडरी किया गया है, इसीलिए ये साड़ी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आप गाइज आंचल देखो, इसका आंचल में ऐसे प्यारे प्यारे तीन टसल लगे हुए हैं, एंड पूरा जो बॉर्डर है साड़ी का वहां पूरा जरी का काम किया गया है। बहुत ही लाइट वेट है एंड मतलब आर्ट सिल्क में है, तो मतलब बहुत ही कम्फर्टेबल है ये साड़ी। और गाइज इसका ब्लाउज पीस देखो जरा, एक तो ये पर्पल कलर का है और प्रॉपर ऐसे एम्ब्रॉयडरी किया गया है, बहुत ही हैवी एक ब्लाउज है, मतलब हैवी वर्क किया गया है इसमें। और मतलब ये जब बन जाएगा ना इतना मतलब अच्छा लगेगा, मैं क्या बताऊं। ये ब्लाउज बनने के बाद ना ये साड़ी पहनने में मजा ही आ जाएगा मुझे, फोटो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी बनने के बाद। फिर गाइस उसके बाद मैंने और एक कांजीवरम साड़ी लिया है, और ये साड़ी देखो जरा आप, मतलब कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल साड़ी है। लाइक ये जो कलर है इसका, ये कलर जो है ये पर्पल कलर में है, और ये जो साड़ी है इसमें टोटल 7 कलर आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे कलर्स इतना ज्यादा अच्छा है मैं क्या बताऊं। बट पर्पल कलर में मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो यार पर्पल कलर ही ले लेते हैं। मतलब ये साड़ी बहुत ही, फर्स्ट तो ये बहुत ही लाइट वेट है, ये कांजीवरम साड़ी है, ये प्रॉपर आर्ट सिल्क में है, और इसका प्रिंट भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। फुल बॉडी में मतलब फुल बॉडी इसका प्रिंटेड है, और इस साड़ी को लेने के बाद मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश हूँ। और इसके साथ साथ गाइस इसका ब्लाउज पीस देखो, पूरा पर्पल कलर का ब्लाउज पीस दिया हुआ है। और सच कहूँ तो गाइस मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आजकल ना मैं ट्रेडिशनल लुक में कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हूँ, सब तो यही बोल रहे हो, मुझे नहीं पता। फिर गाइस उसके बाद मैंने लिया है ये ब्यूटीफुल लहंगा जो कि है रेड कलर का, और आजकल इतना ज्यादा गर्मी है तो मेरे ख्याल से कभी कभार थोड़ा सा मतलब लाइट वेट लहंगा भी रहना चाहिए स्टॉक में, काम में आ जाती है काफी कभार। तो ये रेड कलर का लहंगा मैंने लिया है, ये प्रॉपर मतलब फुल्ली इसमें जरी का काम किया गया है, और ये लहंगा काफी मतलब अच्छा है, और इसके साथ साथ दुपट्टा भी दिया गया है। जाहिर सी बात है लहंगा के साथ तो दुपट्टा होगा ही, तो दुपट्टा जो है वो भी बहुत ही सिंपल सा है, मुझे जैसा चाहिए था। और बॉर्डर में आप देखो पूरा जरी का काम किया गया है यहाँ पे, और इसलिए ये काफी अच्छा लग रहा है। एंड उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे दिया गया है ब्लाउज पीस, पूरा एकदम जरी का काम किया गया है। तो ओवरऑल ये जो लहंगा है ये बहुत ही मतलब लाइट वेट है, काफी कंफर्टेबल है, और इसकी प्राइस भी काफी कम है। तो गाइस पता है साड़ी उन्होंने बिल्कुल भी सही से मतलब नहीं पहना पाए, बट जितना उन्होंने हेल्प किया उतना ही बहुत ज्यादा है मेरे लिए। और साड़ी नहीं पहनती हूँ ना इसीलिए मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड पहनते पहनते अच्छे से सीख भी जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे गाइस ये जितने भी साड़ीज मैंने आप लोगों को दिखाई इनमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा वो फटाफट मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर इनमें से आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो बाय द वे मैं बता दूं ये सारे जितने भी साड़ीज है मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से, एंड सच कहूं तो क्वालिटी फुल साड़ी है, बहुत बढ़िया है, कलर इसका अमेजिंग है, पहन के भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आप में से किसी को भी कुछ भी पसंद आता है तो मैं काम करूंगी फ्लिपकार्ट का ये जो साड़ी का लिंक है वो मैं मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, आप लोग वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और कौन सी साड़ी आपको सबसे अच्छा लगा वो कमेंट करके बताना, और मेरे ऊपर कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है वो भी बता देना। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, लव यू।